हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, पार्ट वन में हमने इस लेक्चर के पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रेश वाटर है और मैरीन वाटर है उसमें क्या डिफरेंस होता है, और फिर फर्दर जो है हमने जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस पे, जिसमें मैरीन वाटर है और फ्रेश वाटर है जो ग्लोब के सरफेस पे, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो पढ़ा था। अच्छा, इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि जो ओशन है और दूसरे कंटिनेंटल वाटर बॉडीज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो ओशन में जो वाटर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओशनोग्राफी कहते हैं, और ये स्टडी है इक्वेटिक सिस्टम की बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, यानी जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो वाटर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो है वो सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इन सेवन कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो वाटर मौजूद होता है ओशंस में, तो उसको क्या कहते हैं, ओशनोग्राफी। अच्छा, इसमें जो है मेनली साल्ट वाटर मौजूद होता है, यानी जो ओशंस हैं इसमें क्या मौजूद होता है, मेनली साल्ट वाटर मौजूद होता है, और इसका जो है ग्लोबल पैरामीटर्स पे इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिस तरह टेम्परेचर चेंज है उस पर वाटर का बहुत ज्यादा जो है वो रोल होता है इसमें, खुसन जो ओशन वाटर है, क्योंकि टेम्परेचर जो अप और राइज होता है, तो ये जो है मेनली ये जो वाटर कंटेंट है इसके बेस पे जो है इनका बड़ा रोल होता है, या जो कार्बन साइकिल रन होता है, और इसके अलावा वाटर सर्कुलेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल पानी बुखारात में चेंज होता है और फिर जो है ये बारिश की शक्ल में या आइस की शक्ल में दोबारा जो है वो नीचे आता है, तो इस तरह वाटर सर्कुलेशन पे भी बड़ा रोल होता है इसका। और जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है लिमिनोलॉजी। लिमिनोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ इक्वेटिक सिस्टम कंटेन विद इन द कॉन्टिनेंट्स। जिस तरह हमने बात की कि बिटवीन द कॉन्टिनेंट जो है उसको ओशनोग्राफी कहते हैं, इस तरह जो है विद इन द कॉन्टिनेंट जो है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट के बीच में जो है जो लेक्स वगैरह होती हैं, या फॉर एग्जाम्पल सी वगैरह होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, तो ये जो बिटवीन जो इनसाइड द कॉन्टिनेंट हैं इनमें जो वाटर जो कॉन्टेंट्स पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिमिनोलॉजी कहते हैं, और इसमें मोस्टली फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर दोनों जो है मौजूद होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम लेंटिक और लॉटिक फ्रेश वाटर सिस्टम पढ़ते हैं। तो जो लेंटिक फ्रेश वाटर सिस्टम है, जिस तरह आप लोग इस इमेज में देखते हैं, तो इसको लेंटिक सिस्टम जो है इसको हम स्टैंडिंग वाटर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे क्या होता है, कड़ा होता है। तो इसमें जो है पॉन्ड्स आते हैं, लेक्स आते हैं, या मार्शेज आते हैं, दलदल वगैरह, तो इसमें क्या होता है, पानी जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया में कड़ा होता है, यानी मूव नहीं करता, तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वाटर आर लेंटिक सिस्टम्स कहते हैं। और जो सेकंड सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, लॉटिक सिस्टम कहते हैं। ये जो फ्लोइंग वाटर होता है, जिस तरह नदी में बहता है, या दरिया में, या स्ट्रीम्स में, या किनाल्स में, तो ये जो वाटर फॉर एग्जांपल बहता है एक जगह पे कड़ा नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं, लॉटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें रिवर्स आते हैं, एस्चुरीज या किनाल्स वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं, और इनकी जो डिस्टिंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ या इन टर्म ऑफ कार्बन अवेलेबिलिटी एंड फूड वेब्स, ये भी जो है इससे जो लेंटिक सिस्टम है उससे जो है वो लॉटिक सिस्टम का जो है वो उसमें डिफरेंस होती है या चेंज होता है, कि कार्बन अवेलेबिलिटी या फूड वेब्स जो है वो भी चेंज होते हैं दोनों सिस्टम्स का, क्योंकि एक रनिंग होता है जहाँ पे वो क्या करता है, वो रन करता है अपने साथ ले बहा के ले जाता है, जबकि जो लेक्स वगैरह होती हैं इधर एक परमानेंटली ये क्या होते हैं, कड़े होते हैं, वाटर बॉडीज कड़ा होता है, तो उसमें जो है जो फूड वेब्स हैं या फर्मपल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कार्बन की अवेलेबिलिटी है वो क्या होती है, इजीली उनको अवेलेबल होती है। अच्छा, इसके अलावा जो फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया भी होता है, आर्किया भी होते हैं, प्रोटोजोआ, वायरसेस, फंजाई और एल्जी जो है, ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये
फ्रेश वाटर में मौजूद होते हैं। और इसका अगर हम साइज रेंज की बात करें तो ये जो है 0.02 से लेके फॉर एग्जाम्पल 200 माइक्रोमीटर तक की साइज में हो सकते हैं, जिस तरह उसमें वायरसेस जो है सबसे छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है। और इस तरह जो फंजाई हैं या फॉर एग्जांपल माइक्रोएल्जी हैं, ये साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर एनवायरमेंट में। अच्छा, इसके अलावा जो फॉर एग्जांपल जो जहां पे ये वाटर फ्रोजन स्टेट में पाया जाता है, जिस तरह आइस हैं या ग्लेशियर्स वगैरह हैं, या खुसन जो एंटार्कटिक रीजन्स हैं जहां पे वाटर जो है ये आइस की फॉर्म में या फ्रोजन स्टेट में पाया जाता है, तो जो है इस बेस पे भी जो है हमारे पास जो है पर फ्रोजन स्टेट में भी वाटर आता है और लिक्विड स्टेट में भी आता है। और जो फ्रोजन एनवायरमेंट है इनको मोस्टली कंसीडर किया जाता था पहले कि ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल डेजर्ट्स हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल डेजर्ट्स का मतलब क्या होता है कि इधर जो है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होते, क्योंकि एनवायरमेंट भी ही ऐसा है कि इधर जो है इवन ह्यूमन बीइंग्स नहीं पाए जाते, तो जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो है इधर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो ये पहले तो ये ख्याल किया जाता था, इस बेस पे इनको कहते थे माइक्रोबायोलॉजिकल डेजर्ट्स। लेकिन रिसेंट स्टडी जो हुई है इन पे और इधर से सैम्पलिंग हुई है, माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया गया है इधर से और कल्चर किया गया है मीडिया प्लेट्स पे ना, तो उससे हमें ये पता चला है कि जो एंटार्कटिक रीजन्स हैं या एंटार्कटिक सब कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये भी ये एरियाज भी क्या है, रिच हैं, किधर भी वाफर मिकदार में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं या दूसरे माइक्रोएल्जी जो हैं वो भी इधर पाए जाते हैं और इधर से जो हैं वो आइसोलेट हुए हैं। और इसके अलावा जो है न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसकी भी फाइंडिंग इधर हुई हैं, और मोस्टली उन ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं जो फ्रीज टॉलरेंट फोटोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स जो हैं वो भी इधर देखे गए हैं या उनको भी इधर से आइसोलेट किया गया है। और ये जो टेबल है ये शो करता है जो साइज रेंज है जो फ्रेश वाटर में जो है डिफरेंट प्लांटानिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं या फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनके जो साइज रेंजेस हैं वो इसमें बताए गए हैं। अच्छा, इसमें फिर इनकी जो ग्रुपिंग हुई है या क्लासिफिकेशन हुई है वो फर्मपल जो सबसे छोटे होते हैं उनको फेमटो प्लांकटन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फेमटो प्लांकटन कहते हैं। और इनका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, यानी 0.2 माइक्रोमीटर से भी इनका साइज स्मॉल होता है, और इसमें जो है मोस्टली वायरसेस और स्मॉल बैक्टीरिया आते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर पीको प्लांकटन है और इनका साइज 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक होता है, जिसमें लार्ज वायरसेस या मोस्टली बैक्टीरिया इसमें आते हैं। और इसके अलावा जो एलजी हैं जिसमें ग्रीन एलजी या ब्लू एलजी हैं ये भी इसमें आते हैं। और नेक्स्ट जो थर्ड ग्रुप है उसको नैनो प्लांकटन कहते हैं, जिसका साइज 2 to 20 माइक्रोमीटर होता है। इसमें जो है लार्ज बैक्टीरिया, फंगल स्पीशीज हैं या जूस्पोर्स हैं या उनके हाइफी हैं फंगस के, तो ये भी जो हैं इसमें आते हैं। और इसके अलावा जो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक एलजी हैं या जो नैनोफ्लेजिलेट्स हैं प्रोटोजोआ में, तो ये भी इस रेंज में आते हैं, नैनो प्लांकटन के रेंज में। और इसके अलावा फोर्थ वन जो ग्रुप है उसको माइक्रो प्लांकटन कहते हैं, जो 20 to 200 माइक्रोमीटर के रेंज में होते हैं, और इनमें मोस्टली यूनिसेलुलर कॉलोनियल एलजी पाए जाते हैं। और इसके अलावा प्लांटानिक जो प्रोटोजोआ हैं या रोटिफर्स हैं या कॉकपोड लार्वे हैं, तो ये इस रेंज में आते हैं। और जो लास्ट वन ग्रुप है उसको मैक्रो प्लांकटन्स कहते हैं, यानी मैक्रो किस बेस पे कहते हैं कि इनका साइज बड़ा होता है, लार्ज इन साइज होते हैं, और ये मोस्टली मोर देन 200 माइक्रोमीटर इन साइज होते हैं। और इनमें जो लार्ज कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एलजी ये भी आते हैं इसमें, और खुसन जो क्रस्टेशिया हैं ये भी इसमें आते हैं। तो ये जो है क्या है, ये माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज रेंज जो क्या होते हैं मौजूद होते हैं फ्रेश वाटर में। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।